क्या आप भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा लिपस्टिक लगाते हो और लिपस्टिक लगाने की वजह से आपकी जो लिप्स है वो ब्लैक हो गई है, क्योंकि लिपस्टिक के अंदर होता है लेड जो हमारे स्किन को बर्न कर देता है, जिस वजह से हमारी लिप्स जो है वो ब्लैक हो जाती है। तो आप सही वीडियो पे आए हो, इस वीडियो को पूरा देखना, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगी कि आप कैसे अपने पिगमेंटेड बर्न लिप्स को ठीक कर सकते हो और पहले के जैसा मुलायम और गुलाबी लिप्स पा सकते हो। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैंने जो है अपनी लिपस्टिक को रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि इसके पहले मैंने 2-3 वीडियो शूट किया था एंड बुलेट लिपस्टिक मैंने लगाया है, जिस वजह से इसको रिमूव करने में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मैंने लिया है एक बेबी वाइप्स और उसकी हेल्प से मैं अपने लिप्स को बहुत अच्छे से क्लीन कर रही हूँ, लिपस्टिक को रिमूव कर रही हूँ। आप अगर लिपस्टिक नहीं लगाए हो फिर भी ये प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको अपने लिप्स को बहुत अच्छे से क्लीन करना है, जिसके लिए आप ले सकते हो बेबी ऑयल या फिर नारियल तेल या फिर कोई भी आप ऑयल ले सकते हो, ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। उससे जो है आपके लिप्स को ऐसे ही बहुत अच्छे से क्लीन करना है, जिससे क्या होता है आपकी स्किन के जो जितने भी डर्ट हैं वो सारे बाहर आ जाते हैं। तो उसके बाद से आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से अपने लिप्स को क्लीन कर लिया एंड आपको मेरा जो लिप्स है वो थोड़ा पिगमेंटेड दिख रहा होगा, क्योंकि ये जो स्टेप है इसे आप मंथ में 2 बार कर सकते हो, तो मैं हमेशा करते रहती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं है मेरा लिप्स, नॉर्मल ब्राउन कलर का अभी आपको दिख रहा होगा। तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है आपको आपके लिप्स को जो है स्क्रब करना है। उसके लिए मैं ले रही हूँ राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा और उसमें मैं मिक्स कर रही हूँ रोज़ वाटर। अगर आपके पास रोज़ वाटर नहीं है तो आप कोई भी नॉर्मल वाटर भी ले सकते हो एंड उसे लेके आपको जो है अपने लिप्स पे 2 मिनट के लिए बहुत अच्छे से स्क्रब करना है। राइस फ्लावर जो होते हैं गाइज बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, इससे आप नॉर्मल फेस पे भी स्क्रब कर सकते हो। इसके अंदर जो होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो आपके स्किन को सॉफ्ट बनाता है, डेड सेल्स को बहुत अच्छे से रिमूव करता है एंड आपकी स्किन को यूथफुल दिखाता है। देन सेकेंड स्टेप है ये कोलगेट लेना है आपको एंड ब्रश लेना है और उस कोलगेट को जो है थोड़ा सा जो है आपको आपके फेस लिप्स पे लगाना है। अगर आपके पास कोलगेट नहीं है तो आप बेकिंग सोडा भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने बेकिंग सोडा इसलिए नहीं यूज़ किया क्योंकि वो मुझे सूट नहीं करता। आप एक बार ट्राई कर लेना, बेकिंग सोडा भी आप यहाँ पे कोलगेट की जगह पे लगा सकते हो। इसे आपको रखना है 10-12 सेकेंड्स अपने लिप्स पे, देन उसके बाद से आपको ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से जो है हल्का हल्का करके, जैसे हम लोग ब्रश करते हैं ना वैसे हल्का सा रब करना है अपने लिप्स पे। इससे क्या होते हैं जितने भी डेड स्किन्स जो होते हैं ना हमारे ऊपर में, मतलब जब आपको लिप्स बहुत चॉपी फील होगा, आपको ऐसे रूखापन लगेगा, तो जितने भी डेड सेल्स डेड स्किन जो होते हैं वो ऐसे करने से रिमूव हो जाते हैं एंड आपको प्रेशर नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा लिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड सेंसिटिव होता है। अगर आप प्रेशर लगाओगे तो आपके लिप्स जो है वो फट सकती है, ब्लीडिंग वगैरह आ सकती है, तो फिर उससे क्या होता है ना थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो इसलिए बहुत ही जेंटल तरीके से करें। देन उसके बाद से मैंने थर्ड स्टेप में लिया है हनी, क्योंकि हनी के अंदर जो होता है मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज होते हैं, तो इसलिए, और उसमें मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है टर्मरिक। टर्मरिक के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होते हैं, तो अगर आपके लिप्स अगर थोड़ा सा भी फटवट गया है तो बाद में इन्फेक्शन ना हो, उस वजह से मैंने हनी पे थोड़ा सा इसे लगाया एंड हल्का सा आपको रब करना है 10 सेकेंड्स के लिए। देन उसके बाद से अगेन मैं वाइप्स की हेल्प से मैं अच्छे से वो सारे हनी एंड टर्मरिक को जो है मैं रिमूव कर ले रही हूँ, और अभी से आप देख सकते हो मेरा लिप्स जो है काफ़ी ज़्यादा प्लफी एंड पिंक जो है आपको दिख रहा होगा, एकदम बेबी पिंक नहीं होगा, आपका जो स्किन का कलर है वही रहेगा। और उसके बाद से मैं ले रही हूँ यहाँ पे बीट रूट एंड आप सबको पता होगा कि बीट रूट के अंदर का जो जूस होता है उसके अंदर जो होते हैं नेचुरल पिंक कलर या फिर नेचुरल रेड कलर पाए जाते हैं एंड अगर बीट रूट को आप ऐसे हर जब भी आपके घर में बीट रूट है आपके हाथ में आ रहा है ना, तो आप उसे लो और लिप्स पे हल्का सा ऐसे रब करो। इससे क्या होता है ना जो बीट रूट का कलर है हमारा स्किन जो है उस कलर को पकड़ने लगता है, यानी हमारे स्किन जो है ना उस कलर को लेने लगता है, और जिस वजह से आपकी स्किन की जो लिप्स की जो कलर है वो पिंक दिखने लगती है नेचुरल तरीके से। आप देखना कभी कभी आप जिस कलर का लिप बाम लगाते हो एंड अगर उसे छोड़ देते हो तो 2-3 दिन तक जो है आपको जो टिंट है वो दिखते रहता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप बीट रूट यूज़ करें अपने लिप्स पे ऐसे लगा ले, ऐसे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने से आपके लिप्स का जो कलर है वो उस कलर को पकड़ लेता है एंड पिंक लगता है। यहाँ पे मैं शुगर का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ एंड मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसके अंदर कोई कलर नहीं है, ये दिख रहा है आपको कलरफुल लेकिन इसके अंदर कोई कलर नहीं है, ये ट्रांसपेरेंट है। इसे मैं लेके अपने लिप्स पे लगा ले रही हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं लगाऊंगी तो जो है वो थोड़ा सा ड्राई लग सकता है, इसलिए हमारे लिप्स को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा लिप्स जो कि आपको पिंक दिख रहा होगा एंड अगर आप इसे मंथ में 2 बार करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो है वो देखने मिलेंगे। तो गाइज आई होप आपको जो है मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड हेल्पफुल लगा होगा, आप इसे ट्राई करना, ये बहुत इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देता है। और अच्छा लगे मेरा ये वीडियो
तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। कोविड में आप अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। टाटा।